नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ दीमा पराशर। आप सभी को भगवान राम के जन्मोत्सव यानी राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम बात राम नवमी की कर रहे हैं और आज पूरा देश राममय हो गया है, तो कुछ विपक्षी दल उन नेताओं को आज करारा झटका भी लगा जब उन्होंने शायद वो तस्वीरें देखी जो सीधे अयोध्या से 12:15 पर आई, जब सूर्य भगवान ने सीधे तिलक किया भगवान राम को। और इसीलिए सवाल खड़ा हुआ कि विपक्ष के नेताओं ने ममता बनर्जी से शुरुआत हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश तक पहुंची वो आंच जिसमें चेताया गया कि शांति बनाए रखें, और भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि आज देश में सौहार्द का माहौल भी दिखाई दिया, भाईचारा भी दिखाई दिया, और ये भी दिखाई दिया कि किस तरह सब ने गले मिलकर एक साथ आज ये उत्सव मनाया। और इसीलिए वो लोग जो इस पर राजनीति कर रहे थे, शायद उनके लिए ये करारा जवाब भी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, शायद ये सब भी विपक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि उसके बाद सवाल खड़े होने लगे राम के नाम पर कौन पाखंड कर रहा है, कौन असली राम भक्त है और कौन राम के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज जरा चर्चा इसी पर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और वो भी इस हद तक कि देश को बांटने की कोशिश है, वो कितने सफल हो पा रहे हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उन तस्वीरों पर और बयानों पर नजर डालते हैं जो आज चर्चा में रहे। राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में है ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किए, सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा, भगवान राम को दंड दे। मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब करते। हमें संख्यालघु भाई बहनों बोलो, जो देखें स्लोगान दिखे 17 तारीख ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জি নে টুইট করতে হুয়ে রাম নবমী কে বারে মে লিখা, টু মেইনটেইন পিস। ভাই আপ शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है। अगर इस देश में
आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। हम ये चाहते हैं कि लोग अयोध्या आवे, भगवान राम का दर्शन करें और सरयू स्नान करें और सभी से, सभी देशवासियों से आपस में मोहब्बत रखें। राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जय श्री राम की ये गूंज आज अयोध्या से निकलकर पश्चिम बंगाल और असम तक पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये नारे उन्होंने आज जनता के बीच लगवाए और उन्होंने, आपने देखी वो तस्वीरें जब भगवान राम का जो जब तिलक हुआ सूर्य भगवान ने किया, वो तस्वीरें प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपनी रैली रोक कर, चप्पल उतार कर और पूरी श्रद्धा के साथ देखी। तो ये तस्वीरें अब किसको विचलित कर रही हैं, नेताओं को जिनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान आए। आपने सुना प्रियंका गांधी वाड्रा को भी, ममता बनर्जी को भी और साथ में राम गोपाल यादव को भी। तो सबसे हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज ये मुद्दा यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि पिच जो है वो 2024 की पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कि एक तरफ ये मुद्दा है और दूसरी तरफ इसके खिलाफ खड़े हुए लोग हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक कपिल मदान जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी मौजूद हैं। साथ ही कुछ ही समय में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक तौसीफ अहमद खान जी जुड़ेंगे। और एक और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन कपिल मदान जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि कौन राम का सच्चा भक्त है और कौन रावण का भक्त है? ये जो आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात कही, ये कैसे तय होता है देश में? देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा रीमा जी, आपके सारे दर्शकों को, कि अगर देखिए जो भी उस इस सृष्टि में होता है वो भगवान की कृपा और भगवान की मर्जी से होता है। भगवान की मर्जी से के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस धरती में, ये हम सब जानते हैं और यही सनातन परंपरा है। लेकिन अगर आप या कोई राजनीतिक दल ये बात करने की कोशिश करे कि जिससे ऐसा दिखे कि उनकी वजह से भगवान राम का घर बन गया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई शर्मनाक बयान हो नहीं सकता। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, अगर वहां मंदिर बना है वो भी भगवान की कृपा से बना है, और हमको सिर्फ इस बात का गर्व होना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर बना है। अगर कोई राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक सनातनी भी परंपरा के खिलाफ बात कर रहा है। और जो राजनीतिक दल के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी अपने जो भी उनका आइडियोलॉजिकल फेथ है, जो भी उनका लोगों के कल्याण की जो स्कीम है, उनको भी उनके बारे में बात करनी चाहिए। कपिल मदान जी, एक मिनट, रादर देन किसने कहा, किसने क्रेडिट लेने की कोशिश की? आज आपने कोई ऐसा बीजेपी का बयान सुना, प्रधानमंत्री का बयान सुना, गृह मंत्री का बयान सुना, किसने कहा कि हमने राम मंदिर बनवाया? अभी तक मेरी नजर में नहीं आया, कहां से आया? आप एक काम करें, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा पूरी निकाल के कि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस तरीके से एक नरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद कि ये मंदिर किसी इंसान की वजह से बना है। ये इनकी मंदिर जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा, वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं हुई, वो भगवान की कृपा से हुई। पहला पॉइंट नंबर ये। दूसरा कि बीजेपी इसका एक क्रेडिट जरूर लेना चाहती है और वो बोलती है कि हमारा, देखिए मैनिफेस्टो में हमने, हमारा एक प्रण था, ये मैनिफेस्टो का हमारा एक प्रॉमिस था, हमने वो प्रॉमिस पूरा किया। तो लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये जो मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, तो आपके दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये इस मामले में पहला मुकदमे करने वाले जो शिकायतकर्ता या जो प्लेंटिफ थे, उनका नाम था गोपाल सिंह वर्षद। आपने उनका नाम किसी भी राजनीतिक बयान में, आपने कहीं पे भी वो बयान में उनका नाम नहीं सुना होगा।
तो जो जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई वो कानूनी लड़ाई गोपाल सिंह वर्षत ने शुरू की गई और जो 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 फैसला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और ये सारी जो जो भगवान की मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो और जो तो भी फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो कांग्रेस मतलब बैकफुट पर आ गई जब भगवान की मर्जी से मंदिर बना, भगवान के कहने पर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर क्यों बॉयकॉट किया गया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। फिर तो भगवान का आदेश था और कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए था वहां पर, लेकिन नहीं गई कांग्रेस पार्टी। अब मैं रिएक्शन लेती हूँ। मैं देखिए, अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज का अगर आप बयान, क्योंकि इस चीज इस प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान राम की जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका एक राजनीतिक तौर पर शायद उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है, और अगर आप इसे नकार नहीं सकते, अगर आप चैनल पे बैठ के ये बोलेंगे धनंजय गिरी जी पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रही, धनंजय गिरी जी ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा और कपिल मदान थोड़ा सा आराम से कह रहे हैं, उन्होंने धड़ल्ले से कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सत्ता का लालच तो रावण को था, भगवान राम तो वनवास में थे, तो ये रावण कौन है और राम कौन है उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सत्ता तो बीजेपी पाना चाहती है तो आपकी तुलना किससे की गई है, और अभी फिलहाल विपक्ष तो वनवास ही काट रहा है, तो वो एक तरीके से भगवान राम के असली पद चिन्हों पर तो विपक्ष चल रहा है। रीमा जी, होई है वही जो रामनवमी की बधाई देता हूँ और साथ में कह रहा हूँ, होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे ही साखा। कांग्रेस कहाँ चली गई है देख लीजिए, और कह रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, काला कोट पहनकर कोर्ट में कौन खड़ा हुआ था कि 19 के पहले, चुनाव के पहले आपका कोर्ट से डिसीजन ना हो, नहीं तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, किसको मिलेगा? और हमने बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हमने राम के नाम पर राजनीति नहीं की, राम के नाम राम राजनीति को ही राम के नाम समर्पित कर दिया, हमने चार चार सरकारें कुर्बान की, हमने सरकारें सत्ता आई गई लेकिन उसका परवाह नहीं किया, हमने राम राज्य को स्थापित करने का बीड़ा उठाया, उस राम को जो बाबू साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पन्ने पे राम दरबार लगाया, उस राम राज्य को स्थापित करने की कोशिश की, साबरमती के संत ने जो कमर में गीता और मुख में राम रखा और इनकी समाधि पर लिखा हुआ शब्द हे राम, उस राम को कांग्रेस ने काल्पनिक बताया, आज राम राज्य की स्थापना के लिए हमने सरकारें कुर्बान की, गोलियां खाई हैं, और इन कांग्रेस की फप्तियां भी सही है कि कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, उन तमाम चीजों को पार करते हुए लेकिन राम को अपने ध्येय निष्ठा में स्थापित किए हुए हम राम राज्य के, हम पर आरोप है ठीक है, हम मानते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं, राम राज्य की स्थापना के प्रयास कर रहे हैं, हम राम के भक्त हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं कहने में। दूसरी बात जो कह रही हैं प्रियंका जी, वो किधर करीब है और सत्ता कांग्रेस को कितनी सुहाती है ये बताने की जरूरत नहीं है, बापू को उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक थे, ये तो कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। और कांग्रेस की जहां तक आप बात करती हैं, कांग्रेस बाबा ने जैसे कहा है कि तात राम नहीं नर भूपाला, परमेश्वर कालहू पर काला, तो उस काल के गलत में कांग्रेस धीरे धीरे समाती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकारा, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम सृष्टा भी है, राम साधन भी है, राम साध्य भी है, राम आराधन भी है, राम पूजा भी है, राम पद्धति भी है, राम जीवन के आराध से हर जीवन का हम शुरुआत राम से करते हैं, जीवन का आरंभ मध्य राम है, मध्य भी राम है, अंत भी राम है, राम नेति भी है, राम नियंता भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, हमने राम के ऊपर स्वयं को न्यौछावर किया, हमारे यहाँ जीवन की शुरुआत सुबह राम राम से होती है और राम नाम सत्य है से जीवन की काकी समाप्ति होती है, कांग्रेस का राम नाम सत्य होने का काल आ गया। ठीक है, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, लेकिन मैं जरा तारिक खान जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं राजकिशोर तिवारी जी का रुख करूंगी, क्योंकि आपने धनंजय गिरी राम राज्य की बात कही ना, तो आज एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया, अरविंद केजरीवाल ने जो राम राज्य दिल्ली में दिया है अब उस पर लड़ाई पूरी तरह से होगी। तो राजकिशोर जी, ये राम राज्य हर कोई कह रहा है कि राम राज्य उन्होंने ही दिया, अरविंद केजरीवाल जेल से राम राज्य की कल्पना पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का राम राज्य एक अलग परिकल्पना के तहत है, तो राम पर लड़ाई इस बार 2024 की पिच है? बिल्कुल, देखिए रीमा जी, पहले तो रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी के पूरे देशवासियों को सभी बधाई जो लोग डीडी न्यूज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखने की आवश्यकता है, एक तो आराध्य राम है और एक तो वो मार्गदर्शक राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो एक जीवन जीने का संदेश देते हैं कि कोई छल कपट प्रपंच या किसी भी गलत तरीके से सत्ता नहीं चाहिए, ये तो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक दूसरा जो राम का राजनीतिकरण की जो बात हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है, कांग्रेस है, विपक्ष का अपना पक्ष है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक तौर पर मैं टिप्पणी इस पर करना चाहूँगा, चूँकि जो आराध्य वाला मामला है वो अलग है, उस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, उस पर खास बात यह है कि जिस राम को लेकर, जिन राम को लेकर लगातार तरह तरीके के बयान आते थे, उसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल राम राज्य की बात कर रहे हैं, बल्कि
ममता बनर्जी तृणमूल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर रामनवमी का जुलूस निकालते हुए तृणमूल के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि वहां पर इस तरीके की राजकिशोर जी मैं आपके पास आती हूं इस मुद्दे को लेकर। हमें सीधे जरा कन्नूर केरला चलना होगा जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और क्योंकि हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो जरा एक बार सुन लेते हैं। केरल में इको टेररिज्म के नए सेंटर भी बनाएगी सिस्टर, और इससे हम होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका बड़ा लाभ हमारे ट्राइबल फैमिलीज को मिलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट होम स्टे के लिए वीमेन्स को फाइनेंशियल हेल्प भी देगी। भारतीय जनता पार्टी केरल इको टूरिज्म विकसन अस्थान विकसन रेखय इवे एल स्थल होम स्टे निर्मान प्रवर्तन प्रत्येक नम्बे आदिवासी मेखल ते प्रत्येक होम स्टे अभी स्त्री വേണ്ട ലോണും ധനസഹായവും നൽകാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്। हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह भी कहा है कि हम कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेंगे, और यह केरला के मेरे फिशरमैन साथियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इनकी लाइवलीहुड को जो एलडीएफ और यूडीएफ ने पिछले वर्षों में स्पॉइल कर दिया है उसे हम बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और हम फिशरीज के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए नए क्लस्टर्स भी बनाएंगे, और हम केरला के फिशरमैन परिवारों में क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी सुधारेंगे, उनकी डिग्निटी बढ़ाने के लिए जो भी काम करना होगा हमारी गवर्नमेंट करेगी। नम तीरदेश मेखल प्रत्येक मत्स्य बंदर क्लस्टर രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ദിവസവേതനം പരമാവധി ഉയർത്തുവാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതോടുകൂടി തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമവും നടത്തും എന്ന് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്। भारतीय जनता पार्टी यह अकेली पार्टी है जो कहती है वह करती है, हमारे वर्ड्स और डीड्स में कभी अंतर नहीं होता है। सहोदरी सहोदरन्मारे लोकतिले ऐटवुम वलिय पोलिटिकल पार्टी एन्न निलयिल भारतीय जनता पार्टी उल्ल क्रेडिबिलिटी एन्न परयुन्नत एन्ताणो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तावयिक्कुन्नत परयुन्नत അത് ചെയ്തു കാണിക്കും എന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത। ഇതുവരെ നടന്നതും പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ചെയ്തത് തന്നെയാണ്। हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले कहा था 2014 में, मैं उस समय पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट था, उस समय हम लोगों ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी आर्टिकल 370 जिसके तहत कश्मीर को जम्मू कश्मीर को स्पेशल। तो आप सीधे कन्नूर केरला से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त सुन रहे थे जो वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक बार फिर से लौटते हैं मुद्दे की तरफ। राजनाथ सिंह जी की ये हम स्पीच सुन रहे थे, उससे पहले राजकिशोर तिवारी आप बता रहे थे कि किस तरह से राम के नाम पर इस वक्त जो बात चल रही है। तौसीफ अहमद खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर और नेता। तौसीफ जी, ये झटका तो लगा है मेरे ख्याल से, किसको लगा है झटका इस बार? जिन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे राम नवमी पर शांति बनाने के लिए, आज सुबह सुबह भी सबसे पहले जो ट्विटर पर बात आती है वो यही आती है कि आज के दिन शांति बनाए रखे। ये शांति की अपील क्यों की जा रही थी, आज ऐसा क्या था? नहीं, शायद आपको याद करेंगे तो आपको याद आएगा रामनवमी में पिछले साल भी और उसके पहले वाले भी साल में भी हावड़ा में एक पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पे ये एक रिचुअल की तरह हो गया है कि वहां से प्रोसेशन निकलता है और एक पर्टिकुलर गली से गुजरता है जहाँ पे एक समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे मस्जिद है और वहाँ पे पथराव करते हैं, मस्जिद पे आपत्तिजनक बात करते हैं, डीजे बजाते हैं। इस दफ़ा कोर्ट ने ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के दिए हैं कि 200 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे रैली में और डीजे नहीं रहेगा और कोई तलवार या बंदूक लेकर नहीं जाएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम रैली में एक बंदूक लेकर के एक लड़का 18-19 साल का एक लड़का बीजेपी वर्कर वो निकला, जिन उसका फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ में था और उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था क्योंकि उसके पास आर्म्स एक्ट का केस भी चला।
तो ये सारे प्रेसिडेंट हैं पिछले साल के, और उसके पहले साल में भी गंडोगोल वहां पे हुआ है, इसलिए शांति की अपील की जा रही थी, लेकिन शुक्र है इस बात का कि ऐसा कोई हमें तो रिपोर्ट तो मतलब नहीं है, सिर्फ सिर्फ रामनवमी पर इस तरीके की वारदातें होती हैं बंगाल में, उसके अलावा बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहता है, कभी किसी धर्म दूसरे धर्म के किसी लोगों की तरफ से कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप कटाक्ष कर रही, आप इस बात ये सवाल है उड़ा रही है, रामनवमी के में जो वायलेंस होते हैं उसका आप मजाक ना उड़ाएं। जी मैं मजाक नहीं उड़ा रही, सवाल था, मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक शुभ मौसम, एक शुभ अवसर पे, ऐसे अच्छे मौके पे, धर्म के नाम पे कुछ लोग जो है इस तरीके के वायलेंस में करते हैं या प्रोसेशन का मिसयूज करते हैं। जब रामनवमी निकलता है, जो राम के भक्त होते हैं उनका दूर दूर तक वायलेंस से कोई लेना देना नहीं होता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो को। आपका कहना है कि बीजेपी के कुछ वर्कर उन शांतिपूर्ण लोगों के बीच जाकर के उत्पाद मचाते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, पिछले साल। ठीक है, धनंजय गिरी जी जवाब देंगे। ओके, कोर्ट में सारे तथ्य हैं। तौसीफ साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक गली में एक मस्जिद में कुछ लोग रहते हैं शांति प्रिय धर्म के लोग रहते हैं, ये शांति प्रिय धर्म के लोग जॉर्डन में भी रहते हैं, सीरिया में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, लेबनान में भी रहते हैं, इराक में भी रहते हैं, शरिया का पालन करके सीरिया बनाने की प्रयास लोग पूरी दुनिया में करते हैं, ये शांति प्रिय धर्म के लोग करते हैं। और इन लोगों ने क्या हाल कर रखा है, डेमोग्राफी बदल करके ममता ने किस निर्ममता से बंगाल को बेहाल कर रखा है, ये जानने से कोई बात नहीं है। चुनाव में कत्लोगारत का जो माहौल है और जो बाजार को बेनूर और बेरंग कर दिया, बंगाल को बदनाम और बेकार और बेदर्दी से किया है, ये कोई जानने से बाकी थोड़ी है। बगल के देश में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, उधर देख लीजिए, कितने शांति प्रिय लोग हैं, कितने शांति से रहते हैं। अरे यहाँ लड्डू का एक एक कण जोड़ करके जो बनाता है, जो कहता है एक अवसर विप्रम बहुधा बदंती, और आप कहते हैं इधर माईवे और हाईवे, तो जो माईवे और हाईवे कहने वाले लोग हैं उन लोगों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम दाना दाना जोड़ करके लड्डू बांट के बनाते हैं और आप गारत करके काट करके। बोलिए बोलिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं तौसीफ जी, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उनको इस बात से आपत्ति है कि इस कुछ जवाब नहीं दिया धनंजय जी ने। हाईकोर्ट का जो आदेश आया, हाईकोर्ट अरे भाई आपने कहा कि बीजेपी के लोग उन लोगों के राम भक्तों के बीच में घुस करके उत्पाद मचाते हैं, उसका जवाब मिल रहा है ना? जी हाँ, नहीं जवाब उन्होंने कहा दिया, उसी का तो जवाब दिया उन्होंने। नहीं, वो तो सीरिया पहुंच गए, उनको तो खलबली मची हुई है कि ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पे, वो तो भक्त चले गए इसराइल में, वहां जाकर आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, रहते गाते हिंदुस्तान में और रहते खाते हिंदुस्तान में और गाते किसी और देश की हैं, इनके सपने में इजराइल आता है, सपने में ईरान आता है, जॉर्डन आता है, सीरिया आता है, लेबनान आता है, सरिया आता है, भारत नहीं आता, भारत की संस्कृति नहीं आती है। अरे कहो रहीम कैसे हो, केर बेर के संग हम तो लिपटन चाहते हैं, तुम फाड़ दो अंग, ये आदतें कब सुधरेगी, कब इस मिट्टी से जुड़ोगे, कब इस मिट्टी को अपना मुल्क समझोगे, कब इस मिट्टी को अपनी माँ समझोगे, कभी तो समझो, कभी तो इस मुल्क के करीब आओ, कभी तो राम के करीब आओ, कभी तो राम का नाम गुनगुनाओ, कभी तो इस मिट्टी से जुड़ जाओ, कभी तो जॉर्डन सीरिया लेबनान की तरह यहाँ शांति प्रिय धर्म। अयोध्या से कहाँ पहुँच गए, टीवी डिबेट है, आप आलू प्याज मच्छी खरीदने आए हो क्या, आप क्या बात कर रहे हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने शाहजहां के नाम पर सारे जहां में बदनाम है ममता बनर्जी, शाहजहां को छुपाने के लिए सारे जहां में बदनामी कबूल है। क्यों कबूल है? क्योंकि रोहिंग्या कबूल है, क्योंकि घुसपैठिए कबूल है, क्योंकि इस तरह की वारदात बंगाल में सरेआम है, सरे बाजार है, दिन और रात दिन दहाड़े सरेआम है, और बंगाल की आम आवाम की जिंदगी बेहाल है, बेरंग और बेमूर है। धनंजय जी, ओके, कपिल मदन को एक्चुअली बजे जा रहे हैं, रिकॉर्डेड टेप की तरह बजे जा रहे हैं। अरे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे। धनंजय जी रुकिए, तौसीफ जी कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद में एक सेकंड ब्रेक करिए, राजकिशोर जी भी वेट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी वेट कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट कपिल मदान को, क्योंकि इतना ही समय है, मैं कपिल मदान से चलते चलते बस क्योंकि एक और पिच तैयार हुई है उस पर आती हूं। ये जो अभी से सवाल खड़े हो गए ईवीएम पर, कपिल मदान, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है अगर ईवीएम सही रही तो 180 पर सिमट जाएगी बीजेपी, और अगर ईवीएम में धांधली हुई तो पता नहीं आंकड़ा कहां जाएगा। तो मेरा सवाल तो ये है, जब ईवीएम में धांधली के आरोप लग ही रहे हैं तो क्यों नहीं आप लोग फिर एक तरीके से सरेंडर मोड में आ ही जाते हैं, फिर तो चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्यों चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए अगर कोई किसी भी अगर कहीं पे किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन है तो आप मैनिपुलेशन आप खेल को छोड़ नहीं देंगे, आप कॉन्टेस्ट से भागेंगे नहीं, आप जो जो भी
कोशिश यही करेंगे कि जो चुनाव है, जो भी कॉन्टेस्ट है, वो पारदर्शिता के साथ हो, वो फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। और मुझे एक बात बताइए, इसमें अगर अगर ये ईवीएम को लेकर अगर सवाल है और भाजपा को लगता है कि सरकार और जो लोगों का समर्थन उनके साथ है, जो 400 पार का नारा वो लेके चल रहे हैं, और 400 पार के नारा मुझे नहीं लगता कि कहां से आ रहा है, क्योंकि सारे तो ऑपोजिशन लीडर्स को वो अपने खेमे के अंदर लिए जा रहे हैं। अगर जिसके पास 400 आ रही होती है उनको ऑपोजिशन के लीडर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट इस बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बीजेपी इतनी श्योर है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि 400 पार है, जनादेश उनके साथ है, सब लोग उनके साथ है, तो उनको उनको तो क्या, उनको किसी भी तरीके से चुनाव करा लेना चाहिए, उनको क्या दिक्कत हो सकती है? कपिल मदान जी, 400 पार का नारा हर चुनाव में एक स्लोगन होता है, वही स्लोगन बीजेपी ने इस बार 400 पार का दिया है। बीजेपी ये नहीं कह रही 400 पार आ गई है हमारी, उन्होंने ये नारा दिया 400 पार लेकर आएंगे। तो नारों को समझती है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष या नहीं? तो हर चुनाव में एक टारगेट तय किया जाता है ना, हर कोई करता है। रीमा जी, आप इस बार नया क्या हो रहा है? जनता पार्टी का ये भी जुमला है, आप ये क्यों कह रहे? मैंने तो ये बोला ही नहीं, आप ये क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी ये चुनावी जुमला है, जैसे वो 15 लाख था? मैंने तो ये बोला नहीं है, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये बता रही है कि ये एक चुनावी जुमला है, ये होगा नहीं। और मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि ये होगा नहीं। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना कपिल मदानी, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्या होगा, 4 जून को क्या होगा, किसी को नहीं पता अभी। जब 400 पार की बात होती है, जब 400 पार की बात हो रही है और आप बोल रही हैं कि नहीं जी ये 400 पार तो सिर्फ जुमला है, ये तो सिर्फ वो कह रहे हैं, तो मतलब आप भी मानती हैं कि ये 400 पार निराधार बात है, इसका कोई मुझसे है तो अलग बात है। कपिल मदान, चलिए बहुत शुक्रिया। कंपटीशन नहीं, ओके, नहीं मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। नहीं, नहीं, कंपटीशन ये जुमला और ये शब्द जो शब्दावली का, राहुल गांधी की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें नहीं मैं नहीं कर रहा, ये तो जुमला जुमला जो शब्दावली है मेरी नहीं है। अगर आप अमित शाह जी का इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने 15 लाख की बात की थी, उन्होंने इसको जुमला बोला था। मैं बोल रहा हूँ की जब आप 400 पार की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो सिर्फ कहने की बात है, तो मुझे लगा ये भी शायद, जितनी हिंदी मैं जानता हूँ थोड़ी सी, मुझे लगा कि ये भी शायद उसी श्रेणी में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ जोड़ेंगे आपको। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और क्योंकि मुद्दा ईवीएम तक चला गया था, एक बार फिर से जरा भगवान राम तक पहुंचते हैं, और इसीलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब भी मौजूद है। तारिक जी, सवाल ये खड़ा होता है जब हम सुनते हैं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को, राम गोपाल जी को, जो कहते हैं कि राम के मंदिर तो हजारों है पूरे देश में, तो अयोध्या के राम मंदिर पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, और जो लोग भगवान राम की पूजा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं वो तो एक एक्चुअली पाखंडी लोग हैं, क्योंकि पूजा पाठ तो घर में किया जाता है, मन में किया जाता है, और जो लोग दिखावा करते हैं बाहर जा जा के मंदिरों में, वो पाखंडी होते हैं। तो ये किस पर सवाल है? तो देश की उन करोड़ों सैकड़ों लाखों जनता जो रोजाना पहुंच रही है अयोध्या में, क्या उन्हीं की तरफ इशारा है? इसका मतलब यह है कि राम सब जगह नहीं है, आप कहना चाहती हैं? अच्छा, और राम गोपाल साहब ने कहा कि राम तो आपके अंदर ही हैं, अंदर ही ढूंढ लीजिए, या कड़कड़ में ढूंढ लीजिए, या जहां ढूंढना चाहिए वहां ढूंढ लीजिए, ये तो आपके ऊपर है कि आप भगवान राम को कहां ढूंढते हैं। अगर कुछ लोग वहां ढूंढते हैं तो वो उनकी इच्छा, और अगर राम गोपाल साहब कह रहे हैं कि हर जगह राम है, तो आप अगर इसको खंडन कर रही हैं तो आप राम विरोधी। अब मैं कहता हूं कि जो वहां बुलावे में नहीं गया वो भगवान राम का विरोधी है, मान लेते हैं आपकी बात, यही तो आप कह रही हैं, तो अमित शाह भी नहीं गए, बुलाया गया था भगवान राम के विरोधी नहीं गए थे, जेपी नड्डा को भी बुलाया गया वो भी नहीं गए। कैसे पता आपको? लिस्ट देखी थी क्या? ये अमित शाह और नड्डा जी का नाम कहां से आया? हां सुन लीजिए, खुद जाकर इन्वाइट किया गया है नड्डा जी को। अच्छा, जो चंपत राय साहब थे ट्रस्ट के महासचिव, और ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भी इनवाइट किया गया था, वो भी नहीं गए, तो शायद वो भी जिसने जो रथ लेकर चला, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो भी राम विरोधी है। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। बड़ा अभी एक साहब ने बहुत बोला राम राज के बारे में, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम राज की स्थापना में ऐसा होना चाहिए कि टैक्स बिल्कुल नॉमिनल लेना चाहिए, तो आपने 10 साल में टैक्स कहां कहां कम किया, स्थापना की ना राम राज की,
रामराज्य में यह भी लिखा हुआ है कि छोटी बीमारियों से किसी की भी मौत नहीं होती थी रामराज्य में, छोटी मोटी बीमारियों से स्वास्थ्य और शिक्षा का इतना ख्याल रखा जाता था। कौन से वॉलेंट्री स्टेप्स उठाए आपने कि छोटी मोटी बीमारियों से, हमने यही नदी में और नाले में लाशों को तैरते हुए देखा, कौन सा नाटक करते हैं आप रामराज्य बनाने का? स्टेप्स बताइए, 5 स्टेप्स गिनाइए इनके लिए जो आपने उठाए उस रामराज की स्थापना करने के लिए। हाँ, उस राम को की पूजा करने वाले लोग, उनके अन्यायी मर जाए भूख से, उनको खाने को ना मिले, उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं को ना मिले, और उसके बाद आप मंदिर भव्य बना दें और कह दें कि रामराज की स्थापना की है, तो ये सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा। क्योंकि जब भगवान राम लौट के आए वापस 14 साल के वनवास से, उसके बाद रामराज स्थापित हुआ जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमारी से एक बूढ़ा आदमी भी एक आम बीमारी से नहीं मरता था। मैं नहीं कहता कि आप वैसी स्थापना कर दें, लेकिन अपने कदम बताइए। आपने आपने लगातार तारिक जी, ओके ओके तारिक जी, पहली बात तो ये, अभी राम राज्य पर तो मैं आई नहीं थी, राम मंदिर की बात हो रही थी, लेकिन मैं धनंजय अभी राम राज्य की बात कोई कर रहा था। अरे रुकिए रुकिए, अभी तो बात हो रही थी क्या मंदिरों को, राम मंदिर को और जितने भी राम के मंदिर है उनको बंद कर दे, क्योंकि आस्था अगर मन में है तो मंदिर ना जाए। अभी तो सवाल यही खड़ा किया था मैंने। धनंजय जी, मैं आपके पास रिएक्शन के लिए आऊंगी, लेकिन राजकिशोर तिवारी जी, ये जो मंदिर, ये क्योंकि पहला बयान नहीं है राम गोपाल जी का, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं जाऊंगा राम मंदिर जब भगवान राम मुझे बुलाएंगे। उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि मेरे लिए राम मंदिर बेकार है और आस्था का विषय मन में, मैं तो भगवान की पूजा करता हूं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ आज राम गोपाल जी का बयान, तो ये अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग रोजाना जा रहे हैं, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है? नहीं देखिए रीमा जी, यहाँ दिक्कत यह है कि उनके तो नाम में खैर राम भी है, गोपाल भी है, उसके बाद भी वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो फिर नाम ही राम गोपाल नहीं रखना चाहिए था, सिर्फ हृदय कुमार रख दिया जाता तो फिर इस तरीके से तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। फिर वेटिकन जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर उसके लिए आपको जो है आप बताएंगे कौन क्या नाम रखे, ये गलत बात है, किसी के नाम पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं नहीं, पर आप ये जरूर बताएंगे इमरान साहब कि कैसे किसको पूजा करनी है, पूजा पद्धति का अधिकार आप बताएंगे, मर्यादा आप बताएंगे, कैसे सोचा जाए आप बताएंगे, लेकिन हम अगर राजनीतिक टिप्पणी पर बात करेंगे तो आप बताएंगे कि आप नहीं करेंगे ऐसा। दरअसल यही दिक्कत है आपके साथ में, समस्या यह है कि आप जो डंडा लेकर चलते हैं ना, जो दंड लेकर चलते हैं, आपको लगता है कि जो आप चाहेंगे वो होगा, ऐसे नहीं होता है। इमरान साहब सुनिए, थोड़ा संयम रखिए और थोड़ा मर्यादा का परिचय दीजिए, वरना आवाज अगर आपके पीछे है तो मेरे पास भी आवाज है, शब्द आपके पास है तो मेरे पास भी शब्द है, वाणी है तो मेरे पास भी है। आप नहीं बताएंगे, आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं करोड़ों राज्यों से, ये आप कह रहे हैं, आप अगर राम मंदिर की तुलना किसी आम मंदिर से कर रहे हैं, अयोध्या जहां पर राम का जन्म हुआ, अगर उसकी तुलना आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, निश्चित तौर पे आस्था से जुड़ा मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है, तथ्य से जुड़ा मुद्दा है। आप कह सकते हैं किसी ईसाई से कि आप वेटिकन मत जाइए, आप कह सकते हैं मुसलमान से कि आप मक्का मत जाइए, आप कह सकते हैं किसी से, आप कह सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करने के लिए अमृतसर मत जाइए, आप ऐसा कह सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल पहले तो आपने मर्यादा लांघी और आपने कहा कि कैसे राम को आप अपने घर में पूजे, क्यों आप तय करेंगे कौन कहां पर पूजा करेगा, जहां तो पर राम का जन्म हुआ है वहां पर कौन पैदा कर, कैसी बात कर रहे हैं इमरान साहब? नाम पे आप टिप्पणी मत करिए। अच्छा, नाम पर टिप्पणी मत करें आप, राज्य पर टिप्पणी करें आप, पूजा भक्तों पर टिप्पणी करें कि आप वहां पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम नाम पर टिप्पणी ना करें, उसका अपना अधिकार। जी 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 जी, दिक्कत ये देखिए, समस्या देखिए, जरा आप सोचिए कितने सहिष्णु हैं आप, सहिष्णुता आप कैसे उजागर हो रही है कि आपके एक नेता राम गोपाल के नाम पर टिप्पणी कर दी जाए तो आप बड़े आहत हो जाते हैं, उस पर आप आपत्ति जताते हैं, लेकिन आप करोड़ों लोगों को ये बताएं कि नहीं, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, जिस राम को वनवास दे दिया गया सैकड़ों सालों तक, जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं उसका उत्सव मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, तो वहां मत जाइए। ये व्यक्ति अगर कोई कह रहा है तो उसके नाम पर भी सवाल उठेगा, उसके कर्म पर भी सवाल उठेगा, और ये उठेगा इमरान साहब, निश्चित गलत बयानी आपने की है तो आपको सुनना पड़ेगा, निश्चित तौर पर जिसने भी गलत बयानी की है, गलत काम किया, उसको उसको भुगतना ही पड़ेगा। और मैं तथ्यों और तर्क की बात कर रहा था, आपने कतई इस तरीके से जब बताया कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, उचित नहीं था इमरान साहब। और दूसरी बात, तारिक साहब, तारिक जी, सवाल यही था, मैंने यही सवाल राजकिशोर तिवारी जी से भी किया और मैं फिर आपसे भी यही कर रही हूँ कि राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि मन में राम है, मैं तो मंदिर जाना पाखंड समझता हूँ, अखिलेश यादव ने ही कहा था ये, तो किसकी बात को सर्वोपरि माना जाए आपकी पार्टी में, कौन सा ऑफिशियल वर्जन है?
अखिलेश यादव कहते हैं मुझे जब राम बुलाएंगे तो मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी कि पाखंडी लोग ही जाते हैं मंदिर में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, घर में ही पूजा करूंगा, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। उनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भगवान आपके अंदर ही है और कड़कड़ में है, आप जहां देखना चाहिए देख लीजिए। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम राम मंदिर जाएंगे जब भगवान का, ऐसा क्यों हम अपनी बचपन से सुनते आए हैं कि चलो बुलावा आया है और इस भगवान ने बुलाया है, हर भगवान के लिए कहा जाता है। ऐसे ही मुसलमान कहते हैं कि हमें बुलावा आया है, हम हज पे जाएंगे, तीर्थयात्रा पे जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब वहां से बुलावा आएगा तो परमात्मा है वो बुला लेंगे। मगर ये गलत है, किसी के नाम पे टिप्पणी नहीं, अरे भाई नाम पर टिप्पणी नहीं, उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही राम है, उन्होंने क्या टिप्पणी की, उन्होंने कहा जिनके नाम में राम है उनके मन में भी राम। मैंने कहा जब वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर राम है। तारिक साहब सुनिए, तारिक साहब आप सुनिए, सुनिए तारिक साहब सुनिए, आप सुनिए। जब मैंने उनसे उनके नाम पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की पहली बात, तो मैंने कहा कि अगर इस तरीके से अगर इतना उनके ज्ञान प्रस्फुटित हो रहे हैं तो मैंने कहा कि उनका नाम फिर कुछ भी रख दिया था, राम और गोपाल जिस व्यक्ति का नाम दोनों रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि सभी पूर्व, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने एक अच्छी बात कही, नाम हम चेंज करें आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं वो तो आप मोदी जी से पूछिए, आप मोदी जी से पूछिए ना जाके। यहाँ तो आप सर्टिफाइड प्रमाण पत्र आप जो देने की कोशिश करते हैं ना और जो दूसरों को आप बताने की कोशिश करें, मेरी आपत्ति इस पर है। आप ये कह रहे हैं कि राम, अगर आप राम मंदिर और मेरे घर के मंदिर की तुलना अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। सपा के कार्यकर्ता आप भी हैं, सपा के नेता मुलायम सिंह यादव भी हैं, नाम बदलने पे आपत्ति नहीं हो सकती। अरे भाई इस बात से किसी भी राम पर दूसरों का नाम बदलवाएंगे, आप किसी के भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे ना तारिक जी? कौन होते हैं नेता ये बताने वाले किसको मंदिर जाना है किसको नहीं मंदिर जाना है? कोई नेता किसी का भी धर्म तय नहीं करेगा और ये नहीं बताएगा कि मोदी जी का नाम बदल कर। चलिए ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, यहाँ सबसे बड़ी है, वो बताएंगे कि राम मंदिर कौन सा कहाँ जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए, वो उनको बताने का हक है, लेकिन उस पर एक व्यंग जो है सधा नहीं जाता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए पांच की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं पांच की पंचायत और हम चर्चा पर आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं, पश्चिम बंगाल से, जहां पर कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के मद्देनजर जो कि कूच बिहार का एक दौरा करने वाले थे राज्यपाल, वो अब दौरा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत दी गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत सीधे कोलकाता से मौजूद है। प्रसन्नजीत, क्या जानकारी है, ये सख्त निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? हाँ देखिए रीमा, आज 17 तारीख शाम को 6 बजे से जो साइलेंस पीरियड है वो अलीपुरद्वार, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी, इन तीनों जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है जहां पे 19 तारीख को वोट लिया जाएगा, वहां पे ये कानूनी तौर पे यही है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हिसाब है। तो इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि जो माननीय गवर्नर साहब वहां जाना चाहते हैं उसमें हो सकता है कि वहां पे जो कानूनी स्थिति है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ जाए, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पोल प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और पोल प्रिपरेशन में कल परसों भी उसी में लगे हुए रहेंगे। तो उस समय पे अगर महामहिम जैसे कोई VVIP वहां पे पहुंचे तो हो सकता है कि इनकी काम में थोड़ा सा रुकावट हो, क्योंकि पूरा नजर महामहिम की तरफ देना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहना है कि हो सके तो महामहिम ने इस जो यात्रा है इसको रद्द करे और इसी हिसाब से गवर्नर भी अपना जो वहां पे दौरा है उस दौरा को रद्द कर दिया है रीमा। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इस जानकारी के लिए। और जरा लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। धनंजय गिरी जी, ये जो सवाल खड़ा किया गया तारिक खान जी की तरफ से और तौसीफ जी की तरफ से भी, मैं जरा उसी पर आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव में उनका कहना है मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम अलग अलग मुद्दे, जातिगत जनगणना आज राहुल गांधी ने कहा, लेकिन आप राम, भगवान राम के मंदिर को उसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ये जो आरोप लग रहा है इसका जवाब दीजिए। मैं अभी सुन रहा था और मुझे लगा कि राम राज्य की स्थापना को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 12 करोड़ घरों में टैप से वाटर देते हैं तो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं।
जब 12 करोड़ सम्मान निधि देते हैं किसान सम्मान निधि तो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं। जब 4 करोड़ गरीबों के घर बनाते हैं तो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं। जब जन औषधि केंद्र से 80% सस्ती दवाएं देते हैं तो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं। जब जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछते हैं और 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री में कराते हैं तो वो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं। जब कोई भूखा ना सोए इसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है तो राम राज्य की स्थापना कर रहे होते हैं। इस राम राज्य की स्थापना को होते देख विपक्ष के बल इतने निर्बल हो रहे हैं कि जो लोग कभी इफ्तार को सर पे टोपी लगाकर इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देते थे उनकी आज क्या हालत है ये देख लीजिए। राम विमुख हस हाल तुम्हारा रहा न कोई रोवन हारा। जो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले सरजू के पानी को राम भक्तों के रक्त से लाल करने वाले आज उनके घर में कोई बचा नहीं है। सपा का इतिहास ये है कि 14, 17, 19, 22 चार चुनाव लड़के सपा लेट गई चार पाई और इस बार चुनाव में नहीं आएगा सपा सफाई सफाई हो गई है। और बंगाल को तो जो बेहाल और बेरंग और बेनूर ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता के साथ किया है ये पूरी दुनिया देख रही है। और जो बंगाल में आज कत्ल गारत और हिंसा का जो माहौल है ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली शर्मनाक बातें हैं। लेकिन राम के वजूद को राम भगवान राम के स्थापना को भगवान राम के आदर्शों को स्थापित करने के लिए भगवान राम के खड़ाओं को जिस तरह से भरत ने अपने सर पे रखा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने हृदय में रखा और राम राज्य की स्थापना का स्थापित होने तक इस देश के दलितों वंचितों शोषितों पीड़ितों के बल राम है निर्बल के बल राम है सबरी के जूठे बेरों में राम है राम केवल के पद पर छालन में राम है जटायु के कटे परों में राम है। ठीक है तारिक जी कोई विचलित इसीलिए है क्या विपक्ष क्योंकि आज जो तस्वीरें आई और जिस तरीके से एकजुटता दिखाई दे रही है भगवान राम के नाम पर तो क्या यही डर है कि वो वोट कहीं और चले जाएंगे या ऐसी आशंका है आपको? में, बनारस में बनारस में जब एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसका वीडियो बनाया गया वो बीजेपी के लोग थे तो 3 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये रामराज की स्थापना थी ये रामराज की स्थापना की कोशिश थी आप बड़ी बेहतरीन कोशिश थी गिरफ्तार कैसे हुए वो अगर गिरफ्तार नहीं किया गया आपने इनके बीच में नहीं बोला ये बात गलत है मुझे आप ऐसा लगाते हैं ना फिर बात शुरू करनी पड़ती है आप गोल पोस्ट बदलते रहते हैं गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए तुम गोल पोस्ट बदलते रहते हो कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने FIR लिखाई थी मुझे सपा के गुंडों ने लिखा था ये सब था कि सपा के गुंडों ने मेरी प्राण मेरे प्राण लेने की कोशिश की और मुझे प्रतिष्ठा लेने की कोशिश की और आदम कोड भी तो लिखा है पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत भारतीय जनता पार्टी के करके सुन लेते हैं तारिक जी अरे तारिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं आप सुनिए आप सुनने की क्षमता रखिए आपने बीजेपी के एजेंट की अरे सच सुनने शंकर सिंह अभी मौजूदा मंत्री मौजूदा मंत्री अरे भारत की माटी से मिट्टी से कभी जुड़ ही नहीं पाए मक्का कर रहे मिट्टी में ठीक है ठीक है ठीक है एक एक करके सुन लेते हैं एक एक करके बात सुन लीजिए पहले मायावती के बारे में शंकर सिंह ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के अभी के मौजूदा परिवहन मंत्री उनको बलात्कार के बारे में ऐसी बात कही मैं कह नहीं सकता मेरी जबान से नहीं निकल सकती मैं इज्जत करता हूं उनकी और आप भी महिला बैठी मेरे सामने आज उस आदमी को मंत्री बना के रखता है शर्म की बात शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसा करते हुए हम तो कहते हैं अपने गिरेबान अरे रुकिए ये भी रामराज है बीच में नहीं तारिक जी ये पहली बात आपको शर्म आ रही होगी लेकिन मुझे भी शर्म आ रही है क्योंकि मायावती ने बहन जी ने खुद अब से 2 महीने पहले खुद ट्वीट किया और बताया किस तरह समाजवादी पार्टी ने उनके साथ क्या क्या किया था गेस्ट हाउस कांड की उन्होंने याद दिलाई बीजेपी ने नहीं उन्होंने को ट्वीट किया दया शंकर सिंह तो तब शर्म नहीं आई थी क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे दया शंकर सिंह ने क्या बोलो मायावती ने क्या कहा उस पर भी तो निगाह डालिए थोड़ी सी जिनके साथ हुआ FIR किया था उन्होंने दया शंकर वाली बात बिल्कुल आप कहा कहेंगे पहले एक दलित महिला थी भारत की एक दलित बेटी को का अपमान इतनी बुरी दलित बेटी का अपमान किसने किया वो तो खुद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने किया आप उन्हीं की बात को झुठला रहे हैं क्या और आप तो अपनी आप ही सुना रहे हैं बीजेपी ने जो बीजेपी के मंत्री ने कहा उनके बारे में आप उसको मान ही नहीं रहे बीजेपी आपको मैं वीडियो सुनाऊं क्या कहा बीजेपी की बात संजय गिरी कर रहे हैं लेकिन बीएसपी तो यहाँ नहीं है ना इस पैनल पर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मायावती मैं आपको बता रहा हूँ दया शंकर ने क्या कहा था अरे बहन मायावती ने क्या कहा था
सवाल ये उठता है कि जिसके साथ व्यवहार हुआ, सवाल ये उठता है जिसके ऊपर केस हुआ, सवाल ये जिसके प्राण घातक हमला हुआ, उस व्यक्ति ने क्या केस किया, उस व्यक्ति ने दो महीने पहले क्या किया, इस देश की दलित पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने क्या कहा, सपाई गुंडों ने, और उन्होंने नारा दिया चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, चढ़ गुंडन गुंडन सबका प्रयोग किया। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले क्विक रिएक्शन में राजकिशोर तिवारी जी से लूंगी। राजकिशोर जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप काफी करीब से देखते रहे हैं, मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, ये समाजवादी पार्टी को बहन जी की याद क्यों आ रही है आज? मतलब नहीं समझ पाई मैं, क्योंकि ना तो सपोर्ट दे रही है वो, पानी पी पी कर गाली भी दे रही है रोज, लेकिन फिर भी याद आ रही है आज उनकी। नहीं दरअसल देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत कोशिश की थी निश्चित तौर पर, और ये पिछले सवाल का भी जवाब रीमा जी इसमें सन्नीता आपने कहा था ना कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा और दूसरे नेता ने क्या कहा। अखिलेश यादव जी को मालूम है कि कैसे संघर्ष से वोट मिलेगा, इसलिए अखिलेश यादव जी जानते हैं कि किस तरीके से राजनीति चलानी, इसलिए उन्होंने कोई हल्की टिप्पणी नहीं की थी, फालतू का संदेश देने की कोशिश नहीं की थी, जैसा कि राम गोपाल यादव जी ने किया था। और मायावती की जहाँ तक बात है, तो मायावती ने जब खुद जिनका नाम लेकर कहा जा रहा हो, वो जो FIR कर रही हो, और गेस्ट हाउस कांड आपको हम बताएं रीमा जी, वो हम लोग के सामने की बात है जिस तरीके की चीज़ें हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनको उसके बाद उन्होंने भाई मान लिया था, अगर वो वहाँ पर नहीं होते तो क्या होता मायावती जी के साथ, वो मायावती जी ने खुद कहा है, हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस पर अगर कोई जबरदस्ती कोई बात करना चाहता है, और अगर बात हो रही है दयाशंकर की, तो दयाशंकर ने जो किया था उसके बाद FIR भी हुई थी, उनको जेल भी जाना पड़ा था, मुझे बहुत ठीक से याद है, और निश्चित तौर पर वो बहुत खराब टिप्पणी थी, लेकिन उस टिप्पणी के बदले में जिस तरीके से एक प्रतिक्रिया बसपा की तरफ से हुई थी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस समाज की, भारतीय समाज की, लोकतांत्रिक समाज की खासियत ये है, कोई भी मर्यादा पार करता है तो उसको जनता सबक सिखाती है। दयाशंकर को भी सबक सिखाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के जब उनकी पत्नी के खिलाफ जिस तरीके की टिप्पणी जब की गई, एक तो यार बोलते बीच में बहुत ज्यादा हो, और बाद में दूसरे को बताते हो कि आप बीच में बोल रहे हो, समस्या यही है ना, आज मंत्री ने बात कर रहे हो प्रवचन में, इसको भी जोड़ प्रवचन, तुम्हारी तकरीर सुनू मैं, तुम्हारी तकरीर सुनू है, तुम बताओगे कि कैसे जो है जाएंगे आराध्य के अपने दर्शन करने हैं, तुलना करोगे अयोध्या की, तुलना करोगे घर के मंदिर से, ये करोगे, ये तुम्हारी तमीज है, और बीच में बोलते हो। अच्छा ठीक है नहीं, और तुम तारिक जी एक तो बीच में आप बोले, आप एक तो बीच में बोले, अब आप उसमें वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं, तो अब आप नहीं बताएंगे ना कि क्या करना चाहिए। अरे भाई रुकिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं, देखते रहिए पांच की पंचायत। दया के पात्र रही है जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं पांच की पंचायत, और अब जरा मैं तौसिफ जी का रुख करना चाहूंगी। तौसिफ जी, अब मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहती हूं, जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे पहले कभी याददाश्त में नहीं आता कि ममता बनर्जी ने या आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कभी किसी और त्योहार पर किसी और दिन शांति की अपील की गई हो। तो ये एक तरीके से भड़काऊ बयान, भड़काऊ नेता, और खासकर भड़काऊ टिप्पणी इस पूरे चुनाव में जो बंगाल की तरफ से सामने आ रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए सुधांशु जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रवक्ता हैं, मैं उनको बड़ी आदर करता हूँ, लेकिन वो रहते हैं शायद दिल्ली में, उत्तर प्रदेश का दौरा करते होंगे, बंगाल उनका आना बहुत कम ही रहा है, वो कलकत्ता शहर के बारे में, हावड़ा शहर के बारे में नहीं जानते, इसलिए क्योंकि अब उनको आधी अधूरी नॉलेज है, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अगर उन्हें डे टू डे बंगाल में क्या हो रहा है, कलकत्ता शहर में क्या हो रहा है, और खासतौर पर रामनवमी के समय पे पिछले साल क्या हुआ या उसके पहले क्या हुआ, अगर ये उन्हें ये मालूम होता तो वो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अखबार उठाएंगे, आज गूगल कर सकते हैं, आपको सारा न्यूज़ मिल जाएगा कि पिछले साल हुआ क्या था, और अभी जो के हाल में जिसका हवाला प्रधानमंत्री ने खुद दिया कि हाईकोर्ट से गाइडलाइंस मिले हैं, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, अगर वो हाईकोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ ले, हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था उसके बारे में भी जानकारी कर ले, तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि भाई माजरा क्या है। माजरा यह है कि नव रामनवमी के टाइम पे पिछले साल भी दंगा किया गया था, बीजेपी RSS जनसंघ वाले लोग जो है ये लोग दंगा करते हैं, जहाँ तक तो आसिफ जी आप रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ये बात आप पहले भी बोल चुके थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है ना कि शेख शाहजहां
क्या उस वक्त संदेश खाली में भी ममता बनर्जी ने शांति की अपील की थी या नहीं की थी? शांति दूत है। और क्या उनके बारे में कोई एक टिप्पणी, कोई एक ट्वीट आया जिसमें शेख शाहजहां को दरिंदा बोला गया, उसके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी की गई, कुछ ऐसा आया? मेरी नजर में नहीं आया था। नहीं, आपके नजर में नहीं आया होगा क्योंकि बंगाल स्पेसिफिक न्यूज आप फॉलो नहीं करती होंगी। अच्छा। देखिए, आप अपने रिपोर्टर से पूछेंगी जो आपके रिपोर्टर बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं है, या अलग कर दिया गया जो है? आपके जो रिपोर्टर है, अरे सर रुकिए ना, ये बंगाल में सुधांशु त्रिवेदी को बंगाल के बारे में नहीं पता, हम बंगाल पे स्टोरी नहीं दिखाते, हमें बंगाल के बारे में नहीं पता। बंगाल भारत का ही हिस्सा है ना सर, क्यों आपको नहीं मालूम है क्या? मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ, हम तो यही समझते थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि ममता बनर्जी वीजा देने लगी है आपको नहीं मालूम बंगाल में आने के लिए। अगर आप बंगाल के, देखिए सच्चाई ये है कि बीजेपी आज भी बाहरी पार्टी है बंगाल के अंदर में, उनका एक नेता दिखा दीजिए, उनका एक चेहरा दिखा दीजिए जो बंगाल की भूमि से हो। आज भी कैंपेन के लिए वो सारे बंगाल के बाहर के लोग आते हैं, आज भी बंगाल के बाहर कितने सांसद हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल में? धनंजय गिरी, कितने सांसद हैं आपके पश्चिम बंगाल में? हमारी तो फाउंडेशन भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के थे वहां रखा, आज समिति में सबसे पहले उठकर हेडगेवार ने बंगाल में लंबा काम किया, लेकिन बंगाल का कश्मीर से कन्याकुमारी तक जर्रा जर्रा हमारा है, जान दे देंगे इस मिट्टी के लिए, मिट्टी हमारी माँ है। और जो दो लोग इस मुल्क को किसी की मिल्कियत समझते हैं उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो शाहजहां के ऊपर, अरे वो शांति का मसीहा है शाहजहां, ऐसे जितने लोग हैं जो टोपी लगा करके ममता बनर्जी जिनके यहाँ जाती हैं और जो दावत की अदावत करती हैं, वो सब शांति के मसीहा हैं, उस पर सारा जहां कुर्बान है। लेकिन जो लोग आप कह रहे हैं भाई, तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट प्रोरोगेटिव है ना, अगर आपके यहाँ कोई करता है, लेकिन चुनावों के बाद जो कत्लो गारत होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? उंगलियां काटी जाती है, घर जलाए जाते हैं, लाख सैकड़ों लोगों की जाने जाती हैं, कौन जिम्मेवार है उसका? बहन ममता की निर्ममता का जवाब वहां की जनता दे रही है और लगातार दे रही है। और जो आपके मन में जो ख्वाब देख रहे हैं आप, वो पूरे नहीं होने वाले हैं। इस मिट्टी के, इस मुल्क के जर्रे जर्रे के लिए जान देने के लिए भारत माँ के सैकड़ों हजारों लोग, इस सनातनी सभ्यता को मानने वाले, समाज को मानने वाले, आज भगवान के राम पर पूरे देश का आदेश, क्या भगवान राम तो पूरे विश्व के कई देशों के, नेपाल में तो रामसा कहा जाता है। किसी अच्छे काम के लिए उन्होंने बाहरी पार्टी का, मैं वो जानना चाहती थी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं तौसीफ जी और तारिक जी के पास क्विक रिएक्शन के लिए आऊंगी, फिर जरा बात करेंगे। छोटा आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं पांच की पंचायत, और तौसीफ जी जो आपने बात कही ना, फिर से मैं जरा उस पर आती हूँ। अभी मैं इलेक्शन के लगातार लोगों से बात कर रही थी, तो मैं बंगाल भी गई और उसमें मैंने लोगों से बात की, पता नहीं क्या डर है उनको तृणमूल कांग्रेस से, आम जनता को। और ये वो लोग कह रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल चल रहा है, उन्होंने कहा कि देखिए जी, रहते तो हम यहाँ हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो रहना तो हमें दीदी के राज में है। ये डर जो है ना, ये आम जनता के अंदर था वहाँ पर, क्यों था ये डर, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाई। तो इसलिए कम से कम ये जो आपने टिप्पणी की कि हम लोग स्टोरी नहीं दिखाते, हम लोग बात नहीं करते, हमें कुछ पता नहीं है बंगाल के बारे में, ये टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपने जिनसे कोई डर है ना लोगों में कि हमें वोट डालने नहीं दिया जाता, जाते हैं तो वो पूछते हैं कि किसको वोट डालोगे, और अगर पता लगा विपक्ष को वोट डालेंगे, तो शायद कुछ माहौल ऐसा है बंगाल का जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, आपकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ का आंकड़ा, जो डेटा बताता है कि वोटर टर्नआउट लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में 80% से ज्यादा है। तो ये बात कहना कि हमने कुछ लोगों से बात किया, वो कहते हैं हमें डर है, हम बाहर आके वोट नहीं दे सकते, लगता ऐसा है कि शायद वो कोई बीजेपी के वर्कर होंगे। अच्छा। जिन्होंने मीडिया के सामने आकर के आपसे ये बात कहा, क्योंकि डेटा तो उनके देखे राजकिशोर तिवारी ऐसा है भाई, आप क्या कह रही है, समय की बाधा है, क्विक रिएक्शन, जल्दी जल्दी पैसा भेजते हैं, पेटी भर भर के पैसा भेजते हैं, और वो पार्थो घोष के यहाँ पेटियां मिल जाती हैं, और वो पार्थो दा के यहाँ करोड़ों करोड़ मिल जाते हैं, वो पार्थो के यहाँ पेटियां रहती हैं, गुलाबी गुलाबी वो पेटियां पर पार्थो के यहाँ जमा हो जाता है, बीजेपी को वोट मत दो, वो पार्थो के यहाँ पेटियां मिलती हैं, पार्थो के यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, वक्त की बाधा है, हालांकि मुद्दा अब ये ऐसा है
जिसको लेकर मुझे लगता है कि 24 के इस चुनाव में लगातार डिबेट होती रहेगी, लगातार बात होती रहेगी, क्योंकि एक तरफ 400 पार का नारा और दूसरी तरफ विपक्ष जो कि मुद्दों की तलाश में है और हर रोज एक नया मुद्दा सामने लेकर आ रहा है कि आखिर किस मुद्दे पर हलचल पैदा की जा सके। तो चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पांच की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।